चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पोर्ट्स क्रेजी को बेल आइकन की घंटी भी दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। वक्ता चला है पांच बड़ी स्पोर्ट्स अपडेट्स ऑफ द डे से आपको रूबरू कराने का। तो पहले तो पांचों हेडलाइंस मैं आपको बताऊंगा और उन सारी हेडलाइंस को हम लोग इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। सो हेडलाइन नंबर वन होगी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एतबार से जो कि 40 लाख रुपए देगा मीराबाई चानू को एज अ कैश रिवॉर्ड के तौर पर, जो सिल्वर मेडलिस्ट बनी है टोक्यो 2020 के संस्करण में, और उनके कोच को 10 लाख रुपए से नवाजा जाएगा जिस तरह से उन्होंने हेल्प की मीराबाई चानू की। हेडलाइन नंबर तो होगी सूर्य कुमार यादव के बारे में, जिनके बारे में शिखर धवन ने कहा है कि वो एक 360 डिग्री प्लेयर हैं। हेडलाइन नंबर तीन होगी रशिया के बारे में कि रशिया क्यों कंपीट कर रहा है आरओसी के नाम से ओलंपिक्स 2020 के संस्करण में। हेडलाइन नंबर चार होगी टॉम डेली के बारे में जो कि प्रोफेशनल डाइवर है, उनकी एज कितनी और उन्होंने कितने मेडल जीते ओलंपिक्स 2020 के संस्करण में और ओलंपिक्स में अब तक के सफर में स्पेसिफिकली अगर हम बताएं आपको। हेडलाइन नंबर पांच होगी सचिन प्रकाश के बारे में जो कि फेल हो चुके हैं टू क्वालिफाई फॉर 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सारी हेडलाइंस को इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। हेडलाइन नंबर वन से शुरुआत करेंगे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने ऐलान किया है सैटरडे को जैसे ही मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल हासिल किया और अभी तक भारत का एक ही मेडल आया है जो 4 दिन की परफॉर्मेंस रही है भारत की, उसके हिसाब से अगर हम बताएं तो मीराबाई चानू जो है उनको 40 लाख रुपए दिए जाएंगे कैश रिवॉर्ड के तौर पर। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन उनको नवाजेगा और उनके जो कोच हैं विजय शर्मा उनको 10 लाख रुपए से नवाजा जाएगा। हेडलाइन नंबर दो की तरफ फटाफट हम लोग बढ़ते हैं जो कि सूर्य कुमार यादव के बारे में। सूर्य कुमार यादव 360 डिग्री शॉट्स लगाने के लिए जाने जा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने खेल में इंप्रूवमेंट की और जिस तरह से वो हर डायरेक्शन में शॉट्स लगा रहे हैं वो बिल्कुल अमेजिंग है टू वॉच। और यही कहा है भारत के कप्तान जो है इस वक्त है लिमिटेड ओवर स्क्वाड के शिखर धवन, क्योंकि भारत की एक साइड विराट कोहली की कप्तानी में टेस्ट सीरीज खेलेगी इंग्लैंड से। और जब भारत ने विक्ट्री हासिल की श्रीलंका के खिलाफ 38 रन से तो सूर्य कुमार यादव की तारीफ करते हुए रुके नहीं। सूर्य कुमार यादव ने मैच में 50 रन बनाए हैं 34 गेंदों में, उनका सेकेंड हाफ सेंचुरी मुकम्मल हुई है, चौथी T20 इंटरनेशनल में जिसमें वो इन्वॉल्व हुए हैं और 62 रन का उनके बीच में और शिखर धवन के बीच में एक पार्टनरशिप भी लगी थी क्रंच मोमेंट्स ऑफ द गेम में। हेडलाइन नंबर तीन की तरफ बढ़ते हैं जो कि टॉम डेली के बारे में है। टॉम डेली और मैटी ली, मैं आपको बता देता हूं कि 10 मीटर का जो सिंक्रोनाइज प्लेटफॉर्म डाइविंग इवेंट था टोक्यो ओलंपिक गेम्स का, उसमें जबरदस्त परफॉर्मेंसेस उन्होंने किए। फाइनली उन्होंने स्कोर करा है ब्रिटेन का बेस्ट नोन ओलंपियंस के रूप में उभर कर सामने आए हैं। टोक्यो 2020 में आपको बता देता हूं टॉम का चौथा ओलंपिक गेम्स है टीम ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से। डिस्पाइट बीइंग अ मल्टीपल चैंपियन अपनी डिसिप्लिन में गोल्ड मेडल जो है उनका लंबा टारगेट था जो उन्होंने अचीव कर लिया। 2012 में इन्होंने बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि बड़ी जबरदस्त इनकी प्रदर्शन आई थी। 16 में भी इनकी जबरदस्त प्रदर्शन थी रियो ओलंपिक्स में और इनकी एज जो है इनकी एज पर यह है कि 27 साल के ये हैं और इससे पहले अगर आप देखेंगे तो 3 मेडल ऑलरेडी हासिल कर चुके थे जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और डाइवर हैं इनके जो एक जबरदस्त डाइवर है, जो उनकी स्किल्स हैं प्रेशर मोमेंट्स ऑफ द गेम में वो बड़ी जबरदस्त स्किल्स से एग्जीक्यूट करते हैं और अपने अपोनेंट्स को बिल्कुल पूरी तरीके से क्लूलेस रखते हैं थ्रू आउट द गेम। बढ़ेंगे हम लोग हेडलाइन नंबर चार की तरफ और सवाल है कि रशिया जो है वो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के संस्करण में आरओसी के नाम से क्यों कम्पीट कर रहा है, ये आपको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको बता देते हैं कि 335 पहले तो स्पोर्ट्स पर्सन है रशिया से जो कि कम्पीट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ओलंपिक्स 2020 में, लेकिन उनका नाम रशिया के अंडर वो कम्पीट नहीं कर रहे, वो आरओसी के एक्रोनिम से कम्पीट कर रहे हैं जिसका मतलब है रशियन ओलंपिक कमेटी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा इस वजह से है कि ये जो रशिया 2019 में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी थी वाडा, उसने रशिया को बैन कर दिया 4 साल के लिए फॉर कंपीटिंग इन इंटरनेशनल इवेंट्स इंक्लूडिंग जिसमें टोक्यो ओलंपिक्स भी है और इंक्लूडिंग जिसमें फीफा वर्ल्ड कप भी है। और ये बैन बेसिकली इनेक्ट हुआ था जब एक नया रेवोल्यूशन पाया गया था कि डोपिंग प्रोग्राम जो है वो रशिया में चलाए जा रहे हैं और उसके लिए रशिया को एक्यूज किया गया था। इस वजह से आरओसी के नाम से रशिया जो है वो कंपीट कर रही है आगामी ओलंपिक्स 2020 के संस्करण में। बढ़ेंगे हम लोग हेडलाइन नंबर पांच की तरफ जो कि भारतीय स्विमर सचिन प्रकाश के बारे में है। भारतीय स्विमर सचिन प्रकाश फेल हो चुके हैं टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स ऑफ 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट। उन्होंने फिनिश तो किया अपनी हीट में 4th पोजीशन पे, पर जो उनकी टाइमिंग थी वो थी 1.57.22 जो कि गुड इनफ नहीं थी फॉर टॉप 16। इसमें क्या होता है स्विमिंग में कि आप अपनी अपनी हीट पे बेसिकली आप कंपीट करते हैं इनिशियली, उसके बाद आपका जो टाइमिंग होता है बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा मापदंड होता है। उसके बाद टॉप 16 जो होते हैं वो जो है सेमीफाइनल में क्वालिफाई करते हैं, उस बेसिस पर सचिन प्रकाश जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए। सो ये पांचों हेडलाइंस थी जो मुझे आपको देनी थी जिनको मैंने सिंपल तरीके से पुट अप करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।